नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र महावर आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की ऑनलाइन स्टडी में। आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स में बार बार आते हैं दोस्तों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो आज अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि हर एग्जाम्स में आने वाले हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन इस प्रकार से है आपके पास, ऑप्शन ए पटेला, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी टीबिया और ऑप्शन डी ह्यूमरस। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चंस के लिए आपके पास 3 सेकंड मिलेंगे आपको। इस क्वेश्चंस का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेपीज। स्टेपीज बोन जो होती है अपने कान में पाई जाती है, जिसको ओसिकल्स बोला जाता है, मेलियस इनकस और स्टेपीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी गति का, ऑप्शन सी ऊर्जा का और ऑप्शन डी द्रव्य का। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, मतलब कौन सा दर्पण होता है ड्राइवर के पास। ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपके पास, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी सामान्य दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी कैमरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में तारे क्यों चमकते हैं या रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार से आपके पास, ऑप्शन ए अनेक अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी अनेक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी ऊष्मा के कारण और ऑप्शन डी ऊर्जा के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनेक अपवर्तन के कारण। देखिए दोस्तों, अपवर्तन की बात अपन ने पहले कर ली है और उन अपवर्तन को देखने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें और अपवर्तन के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। ऑप्शन ए तेज गति के द्वारा, ऑप्शन बी विकिरणों के द्वारा, ऑप्शन सी तरंगों के द्वारा, ऑप्शन डी कम गति के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकिरणों के द्वारा। ठीक है, यानी कि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है वो विकिरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 9 मिनट, ऑप्शन बी 8.3 मिनट, ऑप्शन सी 9.5 मिनट और ऑप्शन डी 8.5 मिनट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8.3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन इस प्रकार से आपके पास, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी कठोर लेंस और ऑप्शन डी सामान्य लेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपके पास, ऑप्शन ए उत्तल लेंस,
ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी कठोर लेंस और ऑप्शन डी सामान्य लेंस। इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूटन का गति का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, जड़त्व की, ऑप्शन बी गति की, ऑप्शन सी ऊष्मा का और ऑप्शन डी ऊर्जा का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का अपना, न्यूटन का गति का तीसरा नियम संकल्पना देता है, यानी न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, जड़त्व पर, ऑप्शन बी गति पर, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया और ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो समझ आई होगी, इसलिए आपको धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें